वेलकम टू बैंकर्स रीजनिंग चैनल। आज हम पजल नंबर 50 सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। ये एक फ्लोर बेस्ड पजल है। इसमें 10 लोग एक बिल्डिंग में रहते हैं। द पजल इज 10 पर्सन्स आर लिविंग इन अ 10 स्टोरी बिल्डिंग इन विच द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 10 एंड द लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर 1। सबसे नीचे एक है और सबसे ऊपर 10 नंबर फ्लोर है। क्लूज हमें दिए हुए हैं। लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस पजल easily. Firstly, we will write down all the clues. The first clue is 5 persons live between P and W. P और W के बीच में 5 लोग हैं. 2 persons live between Q and W. Q और W के बीच में 2 लोग हैं. 3 persons live between Q and U. X lives immediately above P. P and U does not live on consecutive floors. तो P और U जो हैं वो immediate नहीं आएंगे, कहने का मतलब है। P lives above W. P lives above W. V lives immediately above Y. Immediate. Okay. 3 persons live between S and Y. Okay. T lives below R. R के नीचे कौन रहता है? T रहता है. Not more than 2 persons live between T and V. T और V के बीच में not more than 2 मतलब एक भी बैठ सकता है या कोई भी नहीं बैठ सकता है, तो ये possibility यहाँ पे बन के आएगी. Okay, so these are the clues which have been given to us. Now, अब सबसे पहले हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि हमको P और W का अगर हम करना चाहें पहले ज़्यादा element यहाँ पे cover हो रहे हैं, और दूसरा अगर आप ध्यान से देखें तो उसने ये भी clear बोल दिया कि P जो है ऊपर है W से, तो आपको अब ये जो possibility एक बन सकती थी यहाँ पे कि P dash 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 5 छोड़ के W, और एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती थी, तो अब वो नहीं बनेगी। क्यों ये वाली नहीं बनेगी? बिकॉज P जो है वो W से ऊपर है, तो एक हमारा काम आसान हो जाता है। ओके, यहां पर अगर आप देखिए यहां पे आप लिखते हैं P और 1 2 3 4 5 छोड़ के यहां पे आपका W आएगा। अगर यहां पर P है यहां पे W आएगा, यहां P है यहां W आएगा, इस तरीके से 4 पॉसिबिलिटी आपकी बनती है। ओके, क्योंकि यहां पे एलिमेंट देखिए कितने इन्वॉल्वड है, 7 5 6 और 7, तो जाहिर है 7 एलिमेंट की एक तो ऐसे करोगे तो फिर आपको 4 पॉसिबिलिटी यहां पे बन जाती है। 7 8 9 10, 7 8 9 और 10, तो इस तरीके से आपके 10 एलिमेंट होने की वजह से यहां पे 4 पॉसिबिलिटी बन रही है। आपको मैं क्या बोल रहा हूँ समझ आ रही है? देखिए, जैसे ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, ये तो है, इसमें कितने एलिमेंट इन्वॉल्व है? 7। ओके, तो अब पॉसिबिलिटी कैसे हम ढूंढते हैं? देखिए, 7 तो ऊपर कितने छूट गए? 3 छूटते हैं ना, मतलब एक ये छूट रहा है और 2 ये छूट रहे हैं, तो 7 8 9 10, तो 3 खाली जहां जहां प्लेसेस होंगी तो वहां पे आपकी उतनी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। तो अगर ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड और इसको हम फोर्थ पॉसिबिलिटी बोलते हैं। ठीक, क्लियर, ये चीज आपको क्लियर होगी। ओके, ये हमारा क्लियर है, ये हमारा क्लियर है। अब P से आपको और कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। W से आपको Q दिख रहा है। W से अगर हम नीचे जा सकते हैं और ऊपर भी आ सकते हैं। ओके, ये एक यहाँ पे चीज हमको दिख रही है। और क्या है? P का हमें X भी दिख रहा है। ओके, पर हाँ, यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज है। अब आप देखिए, X अगर हम ऊपर लिखें इसके तो नहीं आएगा, ऊपर जाएगा तो ये पॉसिबिलिटी आपकी खत्म। ओके, X आपका यहाँ पे आ सकता है, यहाँ आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है, तो XP की वजह से हमको ये एक पॉसिबिलिटी जो थी बड़ी वाली वो खत्म हो जाती है। अब देखिए, W डैश डैश Q यहाँ पे आ जाएगा, W डैश डैश Q और W डैश डैश Q यहाँ पे आ जाएगा, तो ये भी आपकी चीज बन गई। नाउ Q से 3 छोड़ के U है। अभी Q से 3 छोड़ के U ऊपर नहीं जा सकता, तो 3 छोड़ के U इधर आएगा। Q से 1 2 3 X है तो नहीं जा सकता, 1 2 3 U इधर आएगा, और Q से नीचे नहीं जा सकता, 1 2 3
एक दो तीन, तो x यहाँ पर ऑलरेडी है तो ये यहाँ पर u नहीं आ सकता, तो फिर ये भी पॉसिबिलिटी आपकी खत्म हो जाती है, सिर्फ दो पॉसिबिलिटी आपकी रह जाती है। ओके अब कहता है कि p और u जो है क्लोज नहीं है, p और u क्लोज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब आपके पास आता है vy की कंडीशन। देखिए vy की कंडीशन में आपके पास यहाँ दो है, यहाँ पर दो और यहाँ पर भी दो है, तो अब यहाँ पर हमको काफी कॉशियस रह के सॉल्व करना है। देखिए मान लेते हैं हम यहाँ पे v यहाँ पे y रखते हैं, तो y के ठीक तीन नीचे, अगर ऊपर तो जगह नहीं है तो एक दो तीन छोड़ के यहाँ पे आपका s तो आने से रहा, तो फिर ये v और y यहाँ पर आपके नहीं आ रहे। अब कौन सी जगह बच जाती है, फिर यहाँ पे ये और ये जगह बच जाती है। अब अगर ये दोनों जगह बची है तो y के ठीक नीचे तीन छोड़ के एक जगह है नहीं, तो नीचे नहीं जाएगा, एक दो तीन तो आपका s यहाँ पे आएगा। क्लियर? अगर s यहाँ पर है तो आपका जो है r कहाँ पर आएगा, इधर आएगा, और t आपका नीचे आएगा, बिकॉज ये क्या कह रहा है कि t जो है वो r के नीचे है। परंतु t और v के बीच में देखिए कितने लोग बैठ गए, यहाँ पे आ गए तीन लोग, यहाँ पे दो से ज्यादा नहीं हो सकते, तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी आपकी गलत हो जाती है। ठीक, तो एक दो तीन, अभी यही एक पॉसिबिलिटी आपकी रहेगी। यहां पर देखिए u का काम हो गया, अभी उसके बाद हमको क्या चाहिए, p और w तो है ही ऑलरेडी ऊपर, वी वाई की कंडीशन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे वी और वाई को हमने यहाँ पे बिठा दिया। अब वाई आपका एक दो तीन छोड़ के इधर डब्ल्यू है, तो यहाँ पे आपका जो है एस नहीं आ सकता, एस यहाँ पे आपका नहीं आएगा। ऊपर है क्या जगह, एक दो तीन, तो एस आपका डेफिनेटली यहाँ पे आ सकता है। ठीक, ओके। अब अगर एस ऊपर आ गया, हाँ, अब आपका क्या है, वी वाई बोल रहे हो आप कहते हो कि आर और टी चाहिए आपको, है ना, तो अब आप कहते हो आर इधर आएगा और टी क्योंकि ऊपर है उसके, तो वो इधर आ गया। अब आप देखिए यहाँ पर t और v के बीच में गैप कितना है, आपको दो का गैप चाहिए, यहाँ पर t और v के बीच में गैप है आपका एक दो तीन का गैप है, तो इसका मतलब v और y जो हमने यहाँ पे बिठाए थे वो गलत बिठाए, यहाँ पे हम नहीं बिठा सकते उनको, तो ये भी पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। अब v यहाँ पर और y अगर हम यहाँ पे बिठाते हैं तब क्या होगा, देखिए एक दो तीन, एक दो तीन छोड़ के s आपका यहाँ पे आ जाएगा, इस कंडीशन में s यहाँ से हमको मिटाना पड़ेगा बिकॉज s यहाँ पे नहीं आएगा अभी, है ना। ओके अब आप देखिए s आपका आ गया, s आने के बाद अब आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे r बिठा दीजिए और यहाँ पे आप t बिठा दीजिए, जगह उतनी खाली है और v और t के बीच में एक का ही गैप है, तो इस तरीके से आपकी ये वाली पॉसिबिलिटी करेक्ट हो जाती है और आप बिल्कुल सही तरीके से इसको सॉल्व कर पाते हैं। अब आप आज की लर्निंग क्या है फ्रेंड्स, आज की लर्निंग ये है कि ये एक मॉडरेट लेवल क्वेश्चन था और इसको आप बहुत आसानी से कर गए बिकॉज आपको यहाँ पे जो दो पॉसिबिलिटी बन सकती थी वो एलिमिनेट कर दी क्वेश्चन में ही उसने। अगर इसको टफ और करना चाहे वो तो ये डब्ल्यू पी भी दे सकता है और आपका काम बहुत बढ़ जाएगा, आपको जिस तरीके से पी डब्ल्यू हमने यहाँ लिया वैसे डब्ल्यू पी लेके फिर सॉल्व करना पड़ेगा, तो इससे डबल टाइम लग जाएगा। गेटिंग मे पॉइंट, हालांकि उसमें सॉल्व हो जाता है, आप कोशिश करके देखिएगा, जब कभी अगर ऐसा ना दिया हो तो आपको दोनों तरफ से भी ट्राई करना पड़ता है। ओके एक तो ये नंबर वन इज कि आपने क्लूज को मैक्सिमम क्लूज वाला जो एलिमेंट वाला होता है मैक्सिमम एलिमेंट वाले को आपने सबसे पहले वहां पे रखना है। नंबर दो पे आपने क्या देखना है कि जो जोड़ी वाले हैं जैसे एक्सपी और सेवन, यानी कि फोर और सेवन जो क्लूज हैं इनको आपने जल्दी से जल्दी बिठाने की कोशिश करनी है क्योंकि ये दो दो मिला के चार जगह भर देते हैं और ये दो आपके फ्री में आ गए, तो चार और दो छह जगह आपकी भर जाती, चार जगह खाली रहती है वो ऑटो मोड में कहीं ना कहीं से आपको पता चली जाती है। देखिए ये दोनों तो लास्ट के दो ब्लैंक में बैठे, तो आप देखिए अगर आपको ये दो जगह के लिए आपको देखिए यहाँ पे आपको कितना आसान पजल, अगर आप देखें तो XP आपको अप्रोच बता रहा हूं वी वाई आर टी और पी डब्ल्यू, देखने में पजल बड़ी है। अब आप देखिए पी डब्ल्यू तो आपको बिठाने की जगह उसने बोली दी है कैसे बिठाना है, पांच छोड़ के बिठाना है, एक्सपी आपके दोनों एक साथ आएंगे, वी वाई दोनों एक साथ आएंगे, आर और टी जो बची खुची जगह है उसमें घुस रहे हैं, ठीक है, आर और टी बची वाली जगह में आ रहे हैं, तो छह तो आपके ऑटो मोड में बैठ रहे हैं, दो आपको जगह छोड़ रहे हैं, तो सिर्फ आपको डिफिकल्टी लेवल कहा, दो ही का डिफिकल्टी लेवल है, दो एलिमेंट का ही डिफिकल्टी लेवल है, तो 10 का अगर आता है कभी आपको पजल तो घबराइएगा नहीं, 10 का पजल आ गया इसका मतलब आप इमीडिएट प्री में नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, यू कैन डू इट इन प्री,
सो प्लीज फोकस ऑन ऑल दीज क्लूज और इस क्लूज को समझिए कि ये क्लूज क्या कहते हैं, कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, और ऑब्जर्वेशन स्किल को बहुत ज्यादा फास्ट और क्विक रखिए। ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है, खास करके प्री के टाइम पे आपको, अगर आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। सो दिस वॉज द पजल और इसका अप्रोच यही है, इसका अप्रोच जो हमने बताया आपको, ये आपको बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं। आप जब ये टेबल बनाते हैं तो थोड़ा सा बड़ा बनाइए ताकि फिर आपको ये जो वहीं के वहीं दूसरी पॉसिबिलिटी भी आप साथ के साथ चेक कर सकते हैं। लेट अस गो टू क्वेश्चन एंड आंसर फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु लिव्स इमीडिएटली अबोव टी, टी के ऊपर कौन रहता है, इमीडिएटली तो एस है तो यहाँ पर एस दिया हुआ है, करेक्ट है। हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन आर एंड वाई, आर और वाई के बीच में देखिए, एक दो तीन चार पांच छह, छह लोग रहते हैं, ओके तो छह यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, ओके। द नंबर ऑफ पर्सन लिव बिटवीन टी एंड एक्स इज द सेम एज बिटवीन टी और एक्स है, अभी आपका टी एंड एक्स के बीच में कितने लोग हैं देखते हैं, टी और एक्स के बीच में है आपके दो लोग, ओके तो दो लोग, तो अभी इन चारों में आपको दो जिसके बीच में रहते हैं वही ढूंढना है। एस और वाई के बीच में देखिए आप, एस और वाई के बीच में तीन है, P और Q के बीच में देखिए दो है, तो P और Q आपका आंसर होना चाहिए। R और P भी हम देख लेते हैं, R और P के बीच में एक है, U और Q के बीच में आपका जो है काफी ज्यादा है, तीन चार दिख रहे हैं, तीन दिख रहे हैं, Q एंड Y के बीच में हम देखिए एक है, तो मेरे को तो यही दिखा P और Q के बीच में, P एंड Q के बीच में ही आपके जो है दो लोग बैठे हुए हैं, तो योर आंसर इज P एंड Q। It was an interesting puzzle, friends. Please subscribe now for latest prelims and main level questions for upcoming banking exams. Thank you.